महानगर में मोहर्रम और गणेश चतुर्दशी के त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए मंगलवार को कौमी एकता कमेटी के अध्यक्ष सैयद इरफान अली और उपाध्यक्ष आफताब अहमद के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी के विजेंद्र पांडियन को पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कमेटी के सदस्यों ने कहा कि मुहर्रम और गणेश चतुर्दशी दोनों एक साथ पड़ने के बावजूद जिलाधिकारी के कुशल निर्देशन में जिला प्रशासन अपनी जिम्मेदारी मुस्तैदी से निभाया, जिसकी वजह से महानगर में कोई अप्रिय घटना सुनने को नहीं मिली। इस अवसर पर हाफिज हजीज, गोलू चौधरी, शाहिद, डॉक्टर अरशद, चंदन वर्मा, रजीउल्ला, अजय यादव सहित कमेटी के अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कौमी एकता कमेटी के उपाध्यक्ष आफताब अहमद ने कहा, आप लोग बुके आगे बुके भी पकड़ लो, आपकी वजह भाईचारा चल रहा है यार, जारी रखें भाईचारा, नीचे कर दो यार, आगे पीछे करो, आज कौमी एकता कमेटी के तरफ से आज डीएम साहब को हम लोगों ने सम्मानित किया कि मुहर्रम और गणेश पूजा गोरखपुर में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ।